आपका स्वागत है यानी रेस यू में। और आज हम लोग जिस पे रिएक्शन करने वाले हैं वो है खान सर की वीडियो पे, जहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि ब्रह्मोस अटैक इन पाकिस्तान। सो लेट्स सी कि एक्चुअली में क्या यहाँ पे इसके पीछे के क्या फैक्ट्स है, क्या इन्फॉर्मेशन है। हम लोग इसमें वीडियो में पता करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इवन तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं है इसके बारे में। तो लेट्स सी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, प्लीज गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के जरूर बताओ कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन कैसा लगा। सो इसके साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। पिछले एक हफ्ते से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में जाके हिट कर गई। अब लोग का कहना है वो जानबूझ के की या नहीं की, ये मैटर ही नहीं है। मैटर ये है कि हिट किया, इसको समझते हैं। देखिए, पाकिस्तान में हमारे यहाँ से ब्रह्मोस मिसाइल जो थी फायर की गई और वो पाकिस्तान में जाके गिर गई थी। और ये गिरी थी जब वहां पर, तो वो एक नॉर्मल से जगह पर गिरी थी जिसका नाम था मियां चानू। 9 मार्च को ये जाकर यहाँ पर हिट हो गई थी ब्रह्मोस मिसाइल। वहां तो चारों घर और था, किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन था, उड़ गया घर द्वार। यहाँ पर वहां के लोग डर गए कि आखिर ये हुआ क्या है। तो उसके बाद वहां पर जो इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होते हैं ISPR, कहीं पे भी देखिएगा तो एक PR ऑफिसर होता है, PR पब्लिक रिलेशन। यही लोग सारे लोग पब्लिक से कांटेक्ट करते हैं, जैसे मीडिया वाले के पास भी एक पूरी की पूरी PR टीम होती है। अब किसी मीडिया वाले को मान के हमारा इंटरव्यू लेना है, खान सर का इंटरव्यू, तो उन लोगों को क्या पता, वो अपने PR टीम को बोलेंगे कि खान सर का नंबर निकालो, बताओ कहाँ बात करना है। तो वो PR टीम ही काम करती है। तो हर डिपार्टमेंट का एक PR ऑफिसर होता है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, वही बताता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक तरह का प्रवक्ता होता है। तो इन्होंने कहा कि हमारी टेरिटरी में एक पता नहीं अनआइडेंटिफाई कोई ऑब्जेक्ट घुस गया, 4 मिनट तक उड़ते रहा, प्रोजेक्टाइल था वो, आया गिर गया, किसी की जान माल की क्षति नहीं हुई, हमने उसे पूरी रडार में ट्रैक किया, आके वो यहाँ पे गिर गया। ये इन लोग का स्टेटमेंट था। एक्चुअली में हुआ क्या था कि भारत से मिसाइल लॉन्च किया गया था, लेकिन ये दोनों देशों में विवाद न हो जाए इसलिए भारत सरकार ने पहले से एक समझौता है 1999 का, 21 फरवरी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच एक लाहौर एग्रीमेंट साइन हुआ था, लाहौर डिक्लेरेशन। इसमें कहा गया था कि अगर दोनों सेनाओं की ओर से अगर कभी भी गलती से कोई मिसाइल या हमला हो जाता है तो वो लोग हॉटलाइन पे बात करके इसका कंफर्मेशन कर देंगे कि जानबूझ के किया गया या गलती से हुआ है, इसकी अवगत करा दिया जाएगा। तो उसके लिए भारत की ओर से हॉटलाइन पे बात करके बता दिया गया पाकिस्तान को 2 दिन बाद कि भैया हमारी ओर से गलती से चला है। अब यह हॉटलाइन क्या होता है, ये हॉटलाइन फोन में कभी रिंग नहीं बजते। आप जैसे मोबाइल में डायल करते हैं किसी को, सोचो ना पहले बोलेगा नमस्कार, भारत ने 150 करोड़ कोविड टीकाकरण पार कर लिया, 175 करोड़, उसमें ये सब कोई रिंगटोन नहीं होता है। वो फिक्स होता है करना कहाँ है, हॉटलाइन होते हैं उसमें 4-5 नंबर ही, मतलब लिमिटेड नंबर होते हैं, वहीं फोन करना। एक बार फोन करेंगे तो पटाख से वहां लग जाएगा, तो हमेशा इमरजेंसी में होता है। अगर हम कहीं किसी को फोन पे बात कर रहे हैं और कोई नॉर्मल आदमी हमको कॉल करेगा तो उसको वेटिंग बता देगा, लेकिन अगर हॉटलाइन से कॉल करेगा तो जिससे हम बात कर रहे हो तो उसका फोनवा कट जाएगा और डायरेक्ट आ जाएगा मेरे पास आदेश। तो ये हॉटलाइन दो देशों के बीच में होता है। मुख्यमंत्री जब कॉल करते हैं तो हॉटलाइन से कर सकते हैं, प्रधानमंत्री वगैरह, तो हॉटलाइन से भारत सरकार ने उन्हें बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है। शुरुआत में ये मामला दब गया था, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को लगा कि उनकी तो मेरी बेइज्जती हो गई, किसी ने आया पूरा बजा के चला गया, इसकी जांच होनी चाहिए। अब ये भाई साहब कर रहे हैं इसकी जांच कराएंगे हम, कैसे मिसाइल आया और ऐसे हमारे देश के अंदर घुस गया 124 किलोमीटर। अब ये मामला लेके जाएंगे यूएनओ में सिक्योरिटी काउंसिल में उठाएंगे, रूस से कहेंगे, चाइना से कहेंगे, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के देशों से कहेंगे। इन लोग का कहना है कि यूएनओ तक में ये मामला उठेगा कि आखिर ये मिसाइल आया क्यों। ये गधा पाकिस्तान उसी चाल में फंस गया जिसमें हम इसे फंसाना चाहते थे। हम ये चाहते थे कि पाकिस्तान इस पर बवाल करे और ये मामला इंटरनेशनल हो, लेकिन इन गधों के यहाँ पता नहीं कोई इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाता भी है कि नहीं, इन गधों को कुछ नहीं पता, ये हल्ला कर दिए। एक्चुअल में ये मिस फायर नहीं था, ये डायरेक्ट फायर किया गया था जानबूझ के। हम आपको कुछ प्रूफ देते हैं, आप समझिए क्यों डायरेक्ट फायर किया गया था। यह मिसाइल जब उड़ती है हरियाणा से तो यहाँ से लगभग हरियाणा पंजाब के बॉर्डर से 2 मिनट तक इंडिया में रहती है, फिर ये कर्व करके पाकिस्तान में जाती है, 4 मिनट तक ये पाकिस्तान में फ्लाई करती है। अब ये बताइए जो मिसाइल ऑपरेटर इसे 4 मिनट तक फ्लाई कर रहा है, तो भारत में जो मिसाइल ऑपरेटर उसे भी पता है कि वो इंडिया का बॉर्डर छोड़ दिया और पाकिस्तान में जा चुका है। Exactly. तो पहला बात कि जब वो 4 मिनट तक दुश्मन की टेरिटरी में घुसा कैसे, ये इंडिया वाले को तो पहले से पता था। एक और गलती क्या थी, सेल्फ डिस्ट्रॉइंग सिस्टम होता है, जब कभी भी मिसाइल अपने रास्ते से भटकता है तो उसे मिसाइल के अंदर ऑटोमेटिक डेटोनेटर लगा होता है जो मिसाइल को रास्ते में ही ब्लास्ट कर देता है, जिससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो किसी भी मिसाइल को मारने से पहले उस मिसाइल का एक ऑपरेटर रूम होता है, उस ऑपरेटर रूम से उस मिसाइल को फायर किया जाता है। फायर करने के बाद वो ऑपरेटर इस मिसाइल को रडार पर देखता है,
अगर रास्ता भटकता है तो सेल्फ फायर कर देता है। इस मिसाइल को सेल्फ फायर नहीं किया गया, बल्कि ऑपरेटर चुपचाप देख रहा था, मजा मार रहा था कि घुस गया है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में चला गया है 124 किलोमीटर तक। तो एक ये दूसरा प्रूफ, और भी कई सारे प्रूफ है। तो समझिए कैसे, ये नक्शा पाकिस्तान ने जारी किया है, पाकिस्तान हमने ये जारी किया पाकिस्तान। इसमें जो तीर का निशान है ये दिखा रहा है मिसाइल किस तरह आया और कैसे ये यहां से जाकर यहां मियां चंडू पे जाके गिर गया। यहां पर देखिए कैसे मिसाइल ने सबसे पहले अपने से अगर मिस फायर होगा तो सीधे जाए, अपने से मिस फायर होगा तो सीधे, ये टर्न नहीं मार सकता है अपने से, माल फंक्शन की वजह से, गड़बड़ी की वजह से 90 डिग्री का कर्व नहीं मार सकता जब तक उसको पाथ फाइंड नहीं किया गया होगा, पहले से नहीं बताया गया। तो पहला 90 डिग्री टर्न अपने से नहीं मारा गया होगा। दूसरा, इस मिसाइल में कोऑर्डिनेशन फिक्स था, किसी भी मिसाइल को मारने से पहले उसका जीपीएस लोकेशन कोऑर्डिनेशन फिक्स किया जाता है कि यहीं पर जाना है, लेकिन इसमें कोई बारूद नहीं था। देखिए अमूमन यही होता है कि पहले उसमें बारूद यानी वारहेड भरा जाता है, पहले उसमें वारहेड भरा जाता है, तो इसमें वारहेड था नहीं। जब वारहेड भर दिया जाता है तब उस मिसाइल में फीड किया जाता है कि इस मिसाइल को जाना कहाँ है, तो इस मिसाइल में जाना कहाँ है ये फीड कर दिया गया था और वारहेड नहीं फीड किया गया था। और जाना भी कहाँ है, मियां चन्नू पे, यहाँ ना कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ना कोई सेना का स्कूल है, कुछ भी ऐसा नहीं है। जानबूझ के भारत ने मिसाइल का वारहेड हटाया कि किसी की जान माल की हानि ना हो, और ऐसे जगह को चुन लिया जहाँ कोई स्ट्रेटेजिक महत्व नहीं है कि बवाल ना होगा, बस हमें मिसाइल घुसा के बवाल करना था, भयंकर बवाल नहीं कराना था। एक और देखिएगा, इस मिसाइल को अगर देखेंगे तो 104 किलोमीटर से ज्यादा ये भारत में रही है, 124 किलोमीटर गई है, उसके बाद भी ये एक्स्ट्रा गई है, यानी इस मिसाइल की रेंज जो थी वो 290 किलोमीटर ही है, इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर, लेकिन सुदूराई ब्रह्मोस मिसाइल 320 किलोमीटर कैसे चल गया, लगभग ये 30 से 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है। देखिए ये पाकिस्तान का नक्शा दिखा रहा है कि 33 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गया है रेंज से 33 कैसे। तो कोई भी चीज को फेंकते हैं तो जब रेंज खत्म हो जाता तो आराम से गिरता है। तो ब्रह्मोस और आगे गया था, यहाँ पर इस दौरान भी इसे सेल्फ डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, यानी भारत से बैठ के ऑपरेशन टुकुर टुकुर देख रहा था, जानबूझ के किया गया इसे। अगला देखिए और भी, ये खुद पाकिस्तान का रहा उसको समझाते हैं, ये उनके ISPR है, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ISPR, समझ में आ गया ISPR, समझो तो नहीं पता अभी आपने। पहला इनका करना है कि हम उस पर नजर बनाएंगे, देखिए इन निकम्मों को, इसके देश में 124 किलोमीटर कोई मिसाइल घुस गए, इसको ये लोग अपने रडार में बस नजर बनाए हुए थे, ये खुद कर रहा है क्योंकि उस मिसाइल की रफ्तार इतनी ज्यादा थी, 3 मैक की थी, कि हम उसे मार के नहीं गिरा। जबकि जब भी कोई एयरफोर्स में कोई दूसरी देश का जहाज या कुछ भी हॉस्टाइल सिचुएशन में कोई चीज एंट्री करता है तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर SOP जो कहता है कि सबसे पहले उसको मार के गिरा दो, ये लोगों ने मारा नहीं वहां पर। 124 किलोमीटर जब ये घुसा है तो कई बड़े शहरों के ऊपर से क्रॉस करके गुजरा है, कई हाई वैल्यू टारगेट को क्रॉस करके गुजरा है, क्या पता वहीं गिर जाता। तो इससे यह साबित हो जाता है कि इनके पास ब्रह्मोस को मार के गिराने की क्षमता है ही नहीं, और मैं इतने हाई वैल्यू टारगेट के ऊपर से गया वहीं गिर जाता तब क्या हो जाता, ब्रह्मोस न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल, यानी इनके देश के ऊपर से इतनी बड़ी मिसाइल चली गई। ये लोग केवल और केवल बेशरम लोग कह रहे हैं कि हम उसे ट्रैक कर रहे थे, करते रहो ट्रैक, यहां से इतना डिग्री कर्व मार के तुम्हारे यहां आके गिर गया। पाकिस्तान इसे मार के गिरा भी नहीं सकता क्योंकि ब्रह्मोस 3 मैक से चलती है, इसके पाकिस्तान के पास चाइनीज रडार है, इन चाइनीज रडार की हेल्प से इसके पास 2 तरह के मिसाइल क्षमता है, एक HQ-7 है, ये 30 से 40 किलोमीटर की दूर की मिसाइलों को मारता है, एक HQ-9 है, ये लगभग 150 किलोमीटर मार सकता है, ये दोनों चाइना का है, ये सबको पता नहीं चला कहां चल गया, यहां पे इन सब किसी काम का नहीं। अब इससे चाइना भी घुस गया है क्योंकि उसका ऑर्डर दे रखा था, चाइना पूरी दुनिया को ऑर्डर दिया था कि भैया हमारा HQ-9 डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है ले लो, अब पूरी दुनिया ने उसको ऑर्डर कैंसिल कर दिया, इसे जो दोनों कोने काम का मिसाइल है, भारत का ब्रह्मोस घुस गया है वहां पर, कोई घुस आया है पाकिस्तान के ऊपर, इसे जो तो पाकिस्तान इसको कर रहा है दोनों मिसाइल फायर में हुआ तो हम क्या करें, अब फिलीपीन ने ऑर्डर दे दिया था ब्रह्मोस को, अब वियतनाम भी कर रहा है हमको भी चाहिए, इंडोनेशिया कर रहा है हमको भी चाहिए, ताइवान कर रहा है हमको भी चाहिए, अब ब्रह्मोस एकदम जबरदस्त है यहाँ पर। अभी भी किसी को डाउट होता है कि भारत से मिसाइल गलती से छूट गई है, अभी भी मन में डाउट है तो दिमाग लगे, हम आपको मिसाइल छूटने के 10 दिन पहले अपना एक वीडियो का छोटा सा क्लिप बना दिखाते हैं जो यूक्रेन मुद्दे पे बनाए थे, उसको जरा ध्यान से देखिए और दिमाग लगाइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि भारत ने मिसाइल जानबूझ के मारा था। इस दुविधा में हम लोग हैं कि अमेरिका का साथ दे कि रूस का साथ दे, इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या ऑप्शन होता है समझिए, मान के चलिए हमारे 2 बहुत करीबी आदमी है, उन दोनों का ब्याह पड़ गया, तू कह रहा है कि हमारे ब्याह में आना, तू कह रहा है हमारे ब्याह में जाएगा, तो भैया हम एक में जाएंगे तो दूसरा अच्छा, कोई दिन हम अपना ब्याह कर लेते हैं,
वाले बातें खत्म हो जाएगा भैया, हम अपने बिया में बिजी थे। इसी वजह से सबसे अच्छा तरीका है ना हम रूस के फेवर में जाएंगे और ना ही हम अमेरिका के फेवर में जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका है मोदी जी को अपनी सेना को बोलिए कि गलवान घाटी में 2 किलोमीटर आगे घुस जाए। गलवान घाटी में जैसे 2 किलोमीटर आगे घुसेगी, लड़ाई तो करना नहीं है, उलझा के रखना है। 2 किलोमीटर जहां आगे घुसेगी उधर से चाइना वाले घुस जाएंगे, फिर वैसे ही स्टैंड ऑफ हो जाएगा। 2-3 महीना चलेगा, अमेरिका कहेगा ए बोल रहे रूस को, कहते हम कुछ करें, हम तो खुद लड़ रहे हैं चाइना से यार, हमला दोनों के साथ रहेगा। आपको क्या लगता है भारत को इधर उलझा देना चाहिए कि नहीं? वरना आप मना करेंगे तो कोई ना कोई देश इस तरह से आपको कहेगा कि भाई हमारा साथ दो, उससे अच्छा हम खुद उलझे हुए हैं। बातें खत्म। अब समझ में आ गया, हम लोगों को इस इंटरनेशनल कचरा में नहीं पड़ना था कि रूस का साथ दे कि यूक्रेन का दे कि नाटो का कि अमेरिका का, इसलिए हम खुद बोले थे कि भारत को कहीं ना कहीं हमला कर देना चाहिए ताकि हम खुद इंटरनेशनल जाए। आज पूरी दुनिया नहीं कर रही है कि आप हमें जेलेंस्की का साथ दीजिए, नाटो का साथ दीजिए, कुछ नहीं कर रहा है। अब हम लोग यूक्रेन मायने से हट गए क्योंकि पाकिस्तानी से इंटरनेशनलाइजेशन कर रहा है। और हम लोग समझ गए यहाँ पे, मोदी जी कभी कभी मेरी बात मान लेते हैं, मान लेते हैं कभी कभी, लेकिन बहुत कभी कभी बहुत बवाल के बाद मानते हैं। अभी देखिए पिछली बार रेलवे में पूरा बवाल हुआ, तब जाके उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें भी दो चार परसेंट इधर उधर करिए दिए हैं वहां पर भी रेलवे वाले ने। और एयरफोर्स की वैकेंसी अभी रिजल्ट अभी तक रोक के रखे, भैया ये एयरफोर्स वाले हैं, इन लोग को पढ़ा पढ़ा हम लोग बैठे हुए हैं, भेजिए उड़ाए सब जहाज मारे सब यहाँ पर, कितना लोग को हम लोग रोक के रखे यहाँ पर, कम से कम एयरफोर्स की तो रिजल्ट क्लियर करना चाहिए। मान जाते हैं मोदी जी बताइए, जैसे हमला करने वाला कैसे बोले 10 दिन में मान गए यहाँ पर, तो कभी कभी मानते हैं कभी कभी नहीं मानते। अब पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि हम इस मिसाइल का रिवर्स इंजीनियरिंग कर देंगे, दुर्बल कहीं का रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। जब भारत ने इतना स्ट्रेटजी बना के मारा था तो देखिए रिवर्स इंजीनियरिंग में जहाज का मेन चीज क्या होता है, उसका इंजन, पूरा इंजन तबाह हो गया, इंजन पूरी तरह तबाह हो गया। जो सीकर होता है, जो रडार होता है आगे, वो जहाज के अगवे लगा रहता है, वो थुरथुर में पूरी तरह से उधिया गया है यहाँ पर। इसका जो सॉफ्टवेयर है, बिना सॉफ्टवेयर का जहाज उड़े नहीं करता, बिना सॉफ्टवेयर का मिसाइल नहीं उड़ सकता, मोबाइल कामें नहीं करता बिना सॉफ्टवेयर के, दिन के सॉफ्टवेयर कहाँ है। तो अभी भी मिसाइल को देखिए, मिसाइल अपने से डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, जानबूझ के इसे छोड़ा गया। तो पाकिस्तान का ये किस धातु का बना है ये हम पता कर लेंगे, अगर तुम ये पता कर लेगा किस धातु का है तो तुम अभी तक बना चुका रहा इंटरनेट पर मिलता है, हमारा से कुछ आगे पूछ लियो। केमिस्ट्री में जब मेटलर्जी चैप्टर पढ़ाएंगे ना, धातु कर्म चैप्टर पढ़ाएंगे, धातु शोधन, सांद्रण, निस्तापन, भंजन, वही बता देंगे मेटलर्जी में तुमको। ब्रह्मोस का खोजेंगे तुम, कुछ ही बचा है ब्रह्मोस को, कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ, ये बवाल कहेगा हमने ब्रह्मोस का कॉपी बना लिया, अमरीका के टॉमहॉक का हमने कॉपी किया था, हमने कॉपी बना लिया। ऐसा कुछ कॉपी नहीं बना पाएंगे क्योंकि बहुत ही टफ इंजीनियरिंग होती है इसके अंदर। आपका आगे का जो रैमजेट इंजन है ये बर्बाद हो चुका है, फ्यूल सिस्टम बर्बाद हो चुका है, प्रोपल्शन सिस्टम बर्बाद हो चुका है, नेविगेशन सिस्टम बर्बाद हो चुका है। खाली खोपड़िया मिलेगा तो बना लेंगे मिसाइल, यहाँ पर गुलेल बनाना है, देख के बना लेंगे लोल कहीं के यहाँ पर मिसाइल बना लेंगे। और तुम्हारा भारत के पास पहले मिसाइल बनाने के बाद परीक्षण केंद्र जो था वो पोखरण में था, यहाँ परीक्षण करते थे, चांदीपुर में परीक्षण करते थे, व्हीलर द्वीप जिसका नाम कलाम द्वीप है उड़ीसा का हिस्से करते थे, फिर नया जो था कर्नाटक के चित्रदुर्ग में परीक्षण करते थे। 4 जगह हम लोग का परीक्षण केंद्र था, अभी नया नया 5वां परीक्षण केंद्र खुल गया पाकिस्तान। अब हम लोग हमेशा कभी कभी इधर परीक्षण करते रहे। पाकिस्तान का नया सरदर जो है ब्रह्मोस जो है वो नेवी से तो मार ही सकता है, एयरफोर्स से मार ही सकता है, जमीन वाला तो अभी मार के गया है। इसका नया खतरनाक वर्जन ब्रह्मोस 2 आ रहा है जो 800 किलोमीटर मारेगा, यानी पाकिस्तान में बैठे बैठे पाकिस्तान हिल के अफगानिस्तान हिल के कजाकिस्तान चल जाएगा वहां पर। ब्रह्मोस 2 आ रहा है, इसका बाप है ये ब्रह्मोस का, अभी इसी से नहीं लौट पाए तो दादा आ रहा है। दूसरा ब्रह्मोस NG आ रहा है, बहुत हल्का रहेगा और बहुत दूर तक मारेगा। तो तुम ससुरे एक तो तुम्हारे बाप बस की बात है नहीं रिवर्स इंजीनियरिंग, क्योंकि बचा ही कहां है। अगर उस तरह से देखिएगा तो हम तो वियतनाम को फिलिपीन को बेचे हैं, वही बना ले रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग इतना आसान है तो हम लोग राफेल खरीद के लाए, वही बन जाएगा। तुम्हारा रिवर्स इंजीनियरिंग इतना तगड़ा है तो चाहे अमेरिका से तुम F-16 जहाज खरीदे हो, तुम उसको 20 साल से उड़ा रहे हो, अब बैल आज तक तुम अपने जहाज J-17 का एक तो इंजन नहीं बना पाए, पहुंची रिवर्स इंजीनियरिंग करते हो। मनोवैज्ञानिक दबाव बनाओगे कि हमारे पास ब्रह्मोस आ गया, ब्रह्मोस का कॉपी आ गया है, तो जो एक बस का कुछ नहीं है, ये बस मेकअप करेगा, चौथे शादी की तैयारी करेगा। ये आंटी जी खैर छाछा है, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, बैल कहीं का तुम सुधर जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। इसलिए रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं हो पाएगी, इसको 1 साल से हम समझा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पर।
इससे कोई रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं होगी। अब आप समझ गए होंगे भारत ने जानबूझ के मारा था यहाँ पर ब्रह्मोस, इसी बहाने ब्रह्मोस का सक्सेस भी हो। सो गाइस वीडियो जो थी वो ऑलरेडी एंड हो चुकी थी, काफी फनी वीडियो, मतलब काफी फनी तरीके से वो बताते हैं। आई मीन कोई बोरिंग टॉपिक भी रहेगा ना तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से उस बोरिंग टॉपिक को भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर देते ताकि एटलीस्ट आपको समझ में भी आ जाए कि किस चीज की वजह से ये लड़ाई चल रही है। ऑब्वियसली बात है कि अभी रशिया और यूक्रेन के वॉर स्ट्रेटजीज इतनी ज्यादा भी हाई लेवल तक पहुंच गई है कि अब सारे कंट्रीज कहते हैं कि आप उनका साथ दो उनका साथ दो, और फिर यूएसए के साथ भी इंडिया जो है वो अपना टाइप्स नहीं तोड़ सकती। पहले अच्छे रिलेशन या बुरे रिलेशन हो, जो भी रिलेशन हो हमें उनके वो टाइप्स नहीं तोड़ सकते। तो अगर हम लोग रशिया का साथ देंगे तो रशिया ने तो हमें ऑब्वियसली बहुत वॉर्स में बहुत ऐसी लड़ाइयों में रशिया ने बहुत हेल्प करी है, तो हम रशिया को तो कभी भी हम उन्हें बैकडाउन नहीं कर सकते। और यही बात है यूएसए की, तो हमें भी यूएसए की भी रिक्वायरमेंट है, तो अब उनको भी नाराज नहीं कर सकते, रशिया को भी नाराज नहीं कर सकते। तो ये अच्छा तरीका है कि चलो ठीक है, हम अब आपस की अपनी लड़ाई में ही बिजी हो गए। तो लेट्स सी कि क्या है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा रिएक्शन अच्छा लगा प्लीज गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब डेफिनेटली करो, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताओ कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन कैसा लगा।